आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती हैं तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें चलिए शुरू करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है ट्राइंगल में थ्री साइड्स होंगे और थ्री एंगल्स होंगे ये जो नीचे के एंगल टू होंगे इनको बोलेंगे बेस एंगल्स और जो ऊपर होगा वो है वर्टिकल एंगल अब ट्राइंगल्स को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द साइड्स साइड्स की बात करेंगे तो अगर सारी साइड्स इक्वल हैं इक्वल साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल हो जाएगा इक्वी अगर सिर्फ दो साइड्स इक्वल हैं थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट है तो उसे हम बोलेंगे आइसो सेल्स ट्राइंगल और अगर सारी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है तो वो ट्राइंगल हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल तो एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया गया है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल अगर तीनों एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है तो इस ट्राइंगल को बोला जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर इनमें से एक एंगल ये एंगल आप देख सकते हो ये ऑप्टूज एंगल है इसकी डिग्री 90 डिग्री से अधिक है ऑप्ट्यूज एंगल किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक हो सकता है तो अगर एक ऑप्टूज एंगल है किसी ट्राइंगल का तो वो ट्राइंगल कहा जाएगा ऑप्टूज एंगल ट्राएंगल अब थर्ड टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल भी किसी ट्राइंगल में सिर्फ एक हो सकता है तो अगर एक एंगल किसी ट्राइंगल का राइट right एंगल है मतलब 90 डिग्री का है तो उस ट्राइंगल को बोला जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल अब देखते हैं कि मीडियंस क्या होती हैं तो ये ट्रायंगल है और ये इसके मीडियन बनाई हुई हैं तो मीडियन का मतलब होता है कि इस साइड का ये मिड पॉइंट है हम इसको नाम दे सकते हैं मान तो लीजिए ई e, एफ और ये जी है तो ई e जो है वो पी क्यू लाइन का लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है एफ जो है पी आर लाइन का मिड पॉइंट है इसी तरह से जी जो है वो क्यू आर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है अगर मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाता है तो ये बन जाती है आपकी मीडियन अब ये तीनों मीडियन अब ये जो है वो क्या है तीन मीडियन एक ट्राइंगल में कितनी मीडियम बनेंगी? थ्री मीडियंस बन सकती हैं और इन थ्री मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इसको आप बोलोगे ये बोला जाएगा सेंट्रॉइड क्या बोलेंगे इसको सेंट्रॉइड ये ध्यान रखना है आपको ठीक है इसी तरीके से अब अल्टीट्यूड क्या होता है अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हाइट अल्टीट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं हाइट अब जो हाइट जो होती है वो आपको देखना होता है परपेंडिकुलर बनाकर तो ये जो है क्यू आर लाइन पर का परपेंडिकुलर जो है वो है आपका इसको अगर मैं डी नाम दे देती हूँ पी डी पी डी जो है वो क्यू आर लाइन पर परपेंडिकुलर है इसी तरह से क्यू ई जो है वो पी आर लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है और एफ ये आर एफ जो है वो पी क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर बने आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये इसकी हाइट हो गई है ट्रायंगल की अब ये जो है इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तीन बन गए हैं आपके परपेंडिकुलर जो है अल्टीट्यूड कितने बने हैं इसमें वो भी थ्री बने हैं अल्टीट्यूड्स है ना तो अल्टीट्यूड थ्री हो गए हैं और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बोला जाएगा आपको ऑर्थोसेंटर इसको हम बोलेंगे ऑर्थोसेंटर अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रा एंगल इज ऑलवेज वन एटी डिग्री इस पर बेस्ड आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं प्रीवियस क्लासेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो इस पर देखिए आप कि मैंने ये एक सिक्सटी डिग्री का एंगल दिया है ये सेवेंटी डिग्री का एंगल है ट्राइंगल का और ये एक्स और वाई की अगर आपको वैल्यू फाइन करनी है तो आप क्या करेंगे क्योंकि सिक्सटी डिग्री ये क्या है वर्टिकली अपोजिट तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो भी सिक्सटी डिग्री आएगी क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ठीक है ये सिक्सटी डिग्री का हो गया अब ये सिक्सटी का है ये सेवनटी का है तो सिक्सटी प्लस सेवनटी और हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस वाईक्वल आना चाहिए वन एटी के, अब सिक्सटी और सेवनटी कितने हो गए भाई ये हो गए वन थर्टी तो वन थर्टी प्लस वाई वन एटी के इक्वल आ गया तो वाई की वैल्यू आ गई वन एटी माइनस वन थर्टी मतलब वाई इज इक्वल टू तो कितना आ गया फिफ्टी डिग्री तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक और हम देख लेते हैं ये 40 डिग्री का दिया हुआ है आपको एंगल और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन आप देख सकते हो कि ये दो साइड्स को इक्वल बताया है अब जब इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं अब इसके अपोजिट में ये फोर्टी डिग्री का एंगल है इट मीन कि ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट में वाई विल बी ऑल्सो फोर्टी डिग्री तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वो 40 डिग्री आ जाएगी ठीक है अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 40 प्लस फोर्टी प्लस एक्स तो आप लिख सकते हो 40 प्लस फोर्टी प्लस एक्स कितना आना चाहिए 180 डिग्री क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है अब ये हो गया एटी एटी प्लस एक्स आ गया वन एटी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है वन एटी माइनस एटी तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हंड्रेड डिग्री तो एक्स की वैल्यू हंड्रेड डिग्री हालांकि ट्राइंगल सही नहीं बना है हंड्रेड डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा है लेकिन ये आप अगर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हंड्रेड डिग्री ओके अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो है द सम ऑफ ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड अब इसमें मैंने एक साइड लिखी है सेवन सेंटीमीटर दूसरी साइड ये है फाइव सेंटीमीटर और थर्ड है ये थ्री सेंटीमीटर अब इसमें आप सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है सेवन सेंटीमीटर है इसका मतलब है कि बाकी जो छोटी दो साइड्स हैं मतलब फाइव प्लस थ्री ये हमें हमेशा सेवन से ज्यादा आना चाहिए तभी ट्राइंगल पॉसिबल है देखिए इसमें फाइव प्लस थ्री आ गया है एट सेंटीमीटर तो ये सेवन से अधिक है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सबसे लंबी साइड होती है उससे बाकी की जो दो साइड्स होती हैं, उनका सम हमेशा ज्यादा होता है ठीक है अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड अगर दो साइड्स दी हैं एक है 12 सेंटीमीटर और सेकेंड है 15 सेंटीमीटर अब हमें थर्ड साइड निकालनी है तो थर्ड साइड जो होगी उसकी लेंथ कितनी हो सकती है तो हम इनका सम और डिफरेंस देखेंगे सम देखेंगे कि 12 प्लस फिफ्टीन कितना हुआ 27। डिफरेंस देखेंगे फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व कितना हुआ थ्री सेंटीमीटर तो इसका मतलब है हमारी थर्ड साइड जो है वो उसकी फिक्स लेंथ नहीं है थर्ड साइड कितनी हो सकती है ट्वेंटी सेवन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और थ्री से कम नहीं होना चाहिए मतलब थ्री से लेकर ट्वेंटी सेवन तक कुछ भी लेंथ उसकी हो सकती है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल अब इस ट्राइंगल में देखिए एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी साइड uh, को ट्राइंगल की किसी भी साइड को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो वो जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल तो ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल अब क्या है ये प्रॉपर्टी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो अपोजिट जो एंगल है इनके सम के इक्वल होगी इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी आएगी एक्स विल बी इक्वल टू सेवेंटी फाइव प्लस सेवनटी डिग्री क्योंकि ये एंगल सेवेंटी डिग्री का है ये एंगल सेवेंटी फाइव डिग्री का है तो कितना हो गया भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन फोर्टी फाइव डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा आपका वन फोर्टी फाइव डिग्री का ठीक है ये एक प्रॉपर्टी है एक और सम देख लेते हैं इसमें इसी पे बेस्ड अब इसमें आप देख रहे हो कि दो साइड्स को इक्वल ये जो मार्क होता है ये आपको शो करता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है अब जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो क्या होगा कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है अब इसका ये नाइन्टी डिग्री का है तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हुए तो अगर हम इन्हें वाई मान लेते हैं ये वाई है तो ये भी वाई है और ये नाइन्टी डिग्री का आपको दिख रहा है तो पहले हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी एक नाइन्टी डिग्री का एंगल प्लस एक वाई दूसरा वाई ये आने चाहिए वन एट्टी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब नाइन्टी प्लस टू वाई इक्वल टू वन नेक्स्ट हो गया टू वाई इक्वल टू वन एटी माइनस नाइनटी वाई इक्वल टू नाइनटी पॉइंट टू मतलब फोर्टी फाइव डिग्री तो ये वाई की वैल्यू आ गई फोर्टी फाइव डिग्री इसकी भी वैल्यू आ गई फोर्टी फाइव डिग्री तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल तो एक एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री का दूसरा एंगल कितना है फोर्टी फाइव डिग्री का तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस फोर्टी फाइव मतलब इक्वल टू वन थर्टी फाइव डिग्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटिन्यूस एंड टू परपेंडिकुलर साइड्स आर कॉल्ड लेग्स अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है आप देख रहे हो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है तो ये जो नीचे वाली साइड है इट इज नोन एज बेस ये बेस है ये जो साइड है जो परपेंडिकुलर बनी हुई है इस पर इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या हम इन्हें लेग्स भी बोल सकते हैं इसको इसको वन लेग ये है और वन लेग ये है लेग्स भी बोल सकते हैं और ये जो है डाइगोनल आपको दिख रहा है हाइप बोली जाएगी लॉन्गेस्ट साइड होगी तो दिस इज द हाइपोटीन्यूस तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल कंडीशन इज दिस कि ट्रा, ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये वाली बातें होंगी हाइपोटीनियस केवल राइट एंगल ट्राइंगल में होगी ठीक है अभी नेक्स्ट देखते हैं कि थ्योरम अब थ्योरम क्या होती है द स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स अब ये भी राइट एंगल के लिए थ्योरम राइट एंगल के लिए है तो ये हो गया आपका बेस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटीनिय इसका मतलब है कि जो थ्योरम बोलती है वो बोलती है हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब अगर हम नाम के अकॉर्डिंग बोलें नेम दें तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो अब इसको हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थ्योरम हमेशा प्रूव होती है तो अब इसमें टेन दिया है तो एसी की जगह हम टेन का स्क्वायर करते हैं ए जो है वो है आपकी एट तो एट का स्क्वायर और हमारा बी जो है वो सिक्स इसका स्क्वायर टेन का स्क्वायर करोगे हंड्रेड आ गया एट का किया सिक्सटी फोर इसका किया थर्टी सिक्स अब आप देखिए इधर हंड्रेड और ये ऐड होके भी हंड्रेड हो गए मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर ऐसा आ जाता है तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई और हमारा ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी प्रूव हो गया अब अगर आप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है ये आपको प्रूव करने के लिए इस टाइप के सम्स भी आते हैं थ्री आपको वैल्यूज दे दी गई हैं लेंथ है ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल है और ये पाइथोगन ट्रिपलेट है या नहीं है मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है इसको हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम तो अब इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटीनियस तो फाइव जो है वो है हाइपोटीनियस है अब इसमें से फोर हम मान लेते हैं बेस है और थ्री जो है वो हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फाइव का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर अब आप देखिए कि फाइव का स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी फाइव फोर का मतलब सिक्सटीन थ्री का मतलब नाइन तो ट्वेंटी फाइव और इधर भी ट्वेंटी फाइव दोनों इक्वल हो गए तो मतलब ये जो है पाइथोगन ट्रिपलेट है बी हम देखते हैं कि पाइथोगन ट्रिपलेट है या नहीं है इसको प्रूव करने के लिए इसमें लॉन्गेस्ट साइड है सिक्सटीन तो ये हाईपोटीनियज हो गई तो हाईप्रोटिनज की जगह हम लिखेंगे सिक्सटीन का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए फिफ्टीन के स्क्वायर और प्लस एट के स्क्वायर सम के बराबर आना चाहिए अब सिक्सटीन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आ गया है टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टीन का किया तो टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और इसका किया तो सिक्सटी फोर अब दोनों को ऐड करके देखते हैं भाई टू फिफ्टी सिक्स इक्वल टू तो ये आ गया नाइन ये आपका आ गया एट आपका टू एटी नाइन ये तो इक्वल नहीं आए अब जब इक्वल नहीं आए तो ये पाइथोकोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ट्रिपलेट है या नहीं है इन राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ थ्रीज टू सेवन फाइन दूट एंगल अभी रफ डाइग्राम अगर बनाते हैं राइट एंगल ट्राएंगल है right आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का हो गया दूसरे जो एंगल हैं मान लो कि ये थ्री एक्स है और ये सेवन एक्स है क्योंकि थ्री इज टू सेवन का रेशियो है तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम आना चाहिए वन एटी डिग्री तो हम लिखते हैं थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस ये नाइन्टी डिग्री का है नाइन्टी डिग्री इक्वल टू तो वन एटी अब ये कितने हो गए टेन एक्स इक्वल टू वन एटी माइनस नाइन्टी टेन एक्स इक्वल टू नाइंटी एंड एक्स इक्वल टू नाइंटी अपन इक्वल टू नाइन अब हमें निकालने हैं एंगल की वैल्यू तो हमारा फर्स्ट एंगल है थ्री एक्स थ्री एक्स की कितनी होगी वैल्यू थ्री इंटू नाइन मतलब ट्वेंटी सेवन डिग्री दूसरा है सेवन एक्स सेवन एक्स की निकाली तो सेवन इंटू नाइन मतलब 63 डिग्री तो आपका एक एंगल आ गया 27 डिग्री और दूसरा एक्यूट एंगल आ गया है 63 डिग्री द एंगल्स अ ट्राइंगल आर टेन एक्स माइनस फाइव ये वैल्यू दी है फिफ्टीन एक्स माइनस टेन और थर्ड दिया है ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव तो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल तो नहीं है तो हम कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं रफ में पहले बनाएंगे तो एक की वैल्यू हम रख लेते हैं ये जो एंगल है वो है टेन एक्स माइनस फाइव ठीक है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं फिफ्टीन एक्स माइनस टेन और ये जो थर्ड वाला है इसको रख लेते हैं ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स ठीक है तो हमारा कौन कौन से एंगल है पहले लिख लेते हैं फर्स्ट एंगल है टेन एक्स माइनस फाइव सेकेंड एंगल है प्लस करना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए दूसरा है आपका फिफ्टीन एक्स माइनस टेन और थर्ड एंगल है आपका ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल आने चाहिए वन एटी के एंगल सम प्रॉपर्टी अभी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट सारे है, तो टेन एक्स माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस टेन और प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन एटी अभी देखेंगे टोटल एक्स कितने हो गए टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो भाई फिफ्टी एक्स हो गए फिफ्टी एक्स इक्वल टू नंबर्स देखते हैं माइनस का है माइनस का माइनस का फिफ्टीन और माइनस का ट्वेंटी तो ये माइनस यहाँ पर माइनस ट्वेंटी लिखना पड़ेगा इक्वल टू वन एटी अब फिफ्टी एक्स ट्वेंटी इधर गया तो आपका हो गया वन एटी प्लस ट्वेंटी तो फिफ्टी एक्स इक्वल टू टू हंड्रेड और एक्स इक्वल टू कितना आ गया भाई टू हंड्रेड अपॉन फिफ्टी मीन्स फोर अब हम एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे क्या क्या वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट एंगल हमारा क्या है वो है टेन एक्स माइनस फाइव फर्स्ट इसको अगर लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू फोर आ गई है तो टेन इंटू फोर माइनस फाइव तो ये हो गया फोर्टी माइनस फाइव इक्वल टू तो थर्टी फाइव डिग्री तो एक एंगल आ गया थर्टी फाइव डिग्री का दूसरा देखते हैं वो है फिफ्टीन एक्स माइनस टेन अब फिफ्टीन इंटू फोर करना पड़ेगा माइनस टेन तो कितना हुआ सिक्सटी माइनस टेन इक्वल टू फिफ्टी डिग्री ठीक है थर्ड निकालते हैं थर्ड है आपका ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव तो ट्वेंटी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव कितना हो गया हंड्रेड माइनस फाइव इक्वल टू नाइन्टी फाइव डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है सब सपोज हम इसको मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम दे देते हैं हम वाई ठीक है ये भी वाई रख लेते हैं क्योंकि दोनों एक्सटीरियर एंगल्स जो है इक्वल दिख रहे हैं तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी अब सबसे एक्स को निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा ये वाई की वैल्यू ना तो y की क्या आप ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर तो अब अगर आप देखोगे लीनियर पेयर मतलब वन थर्टी टू प्लस वाई कितना आना चाहिए वन एटी आना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर क्या बना रहे हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ठीक है अब y की वैल्यू क्या आएगी वन एटी में से अगर हम वन थर्टी टू माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 48 दिग्री। 48 दिग्री आ जाएगा भाई फोर्टी एट डिग्री फोर्टी एट डिग्री आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 48 एट डिग्री अब सेम यहां 132 का था तो ये भी 48 एट डिग्री ही आएगा है ना तो अब देखो दो एंगल हमें पता चल गया तो थर्ड एंगल बहुत आसानी से पता कर सकते हैं तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी अपन रखेंगे तो ये हो गई 48 एट प्लस फोर्टी और प्लस है हमारा x। ये तीनों मिलके आने चाहिए 180 ठीक है अब 48, 48 कितने हो गए भाई ये सिक्स और नाइन्टी सिक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है वन एटी माइनस नाइन्टी सिक्स मतलब ये हो गया है आपका एक्स की वैल्यू 84 फोर डिग्री तो ये आ गया हमारा एटी फोर डिग्री अब इसमें दिया है आपको ए बी पैरेल टू सी अब ए बी सी के पैरेलल है अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है एंगल ए सी डी मतलब ए सी डी यहां से लिख के यहां तक की हमको वैल्यू फाइंड करना है अब वो कैसे करेंगे देखिए आपको ये बता दिया लाइन पैरेलल है लाइन पैरेलल है तो ए सी को अगर हम ट्रांसफर्सल मानते हैं तो अगर ए सी जो है वो क्या है ट्रांसफर्सल ट्रांसफर्सल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल एंगल ए तो एंगल ए विल बी कितनी डिग्री का होना चाहिए सेवेंटी फाइव डिग्री का क्यों भाई क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है ना ये है अल्टरनेट एंगल ठीक है तो ये हमारा हो गया सेवेंटी फाइव डिग्री का अब क्योंकि ये इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी में आप देखोगे कि ए सी डी जो है एक्सटीरियर एंगल है ये ए सी डी जो क्या बन रहा है ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल ठीक है तो अब हमने क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है अपोजिट के जो टू इंटीरियर अपोजिट के जो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल तो ये जो है एंगल ए सी डी किसके इक्वल आना चाहिए ये आना चाहिए सेवनटी फाइव प्लस एटी सेवन क्योंकि ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो हमें अप्लाई करनी है ठीक है तो ये कितना हो गया भाई तो एंगल ए सी डी कितना आ गया सेवन ट्वेल्व और फिफ्टीन और सिक्सटीन वन सिक्सटी टू डिग्री तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 162 डिग्री के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपको x y z तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये टू साइड्स इक्वल बताई है टू साइड इक्वल बताई है मतलब कि इसकी वैल्यू और इसकी अपोजिट एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होगी अब अगर पहले हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो z की वैल्यू होगी वही वैल्यू y की भी होगी तो 130 अगर ये है तो Z और 130 थर्टी बना रहे हैं लीनियर पेयर है ना तो हम क्या कर सकते हैं Z प्लस वन थर्टी इक्वल टू वन आने चाहिए क्यों आने चाहिए क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर अब ये लीनियर पेयर बन गया तो Z की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी 180 में से अगर आप 130 को माइनस करते हो इट इज 50 डिग्री तो Z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री अब टू साइड आर इक्वल इसका मतलब है कि Y की वैल्यू भी 50 डिग्री ही आएगी है ना तो z इक्वल टू वाईक्वल टू 50 डिग्री क्यों भाई क्योंकि ट्राइंगल कैसा है आईसो सेल्स ट्राइंगल ठीक है।, है अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है X की अब दो एंगल तो आपको पता है ट्राइंगल के फिर क्या है तो आप लिख लेंगे फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी आने चाहिए क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है मेंशन भी कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी है तो ये हो गया हंड्रेड प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन एटी माइनस हंड्रेड इक्वल टू एटी डिग्री तो एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी एटी डिग्री इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और इसमें आपको ये साइड इसके इक्वल बताई है और ये साइड इसके इक्वल बताई है दो ट्राइंगल बने हुए हैं अब इसको नाम दे देते हैं हम क्यू ओ आर तो एंगल ओ इज गिवन हंड्रेड डिग्री अब ये साइड इसके इक्वल है तो अगर ये वाई है तो ये भी वाई है पहले हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते ठीक है अब अगर y की वैल्यू फाइन की तो क्या होगा भाई यहाँ लिखते हंड्रेड प्लस वाई प्लस इक्वल टू वन एटी आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है तो ये हंड्रेड प्लस टू वाई इक्वल टू वन एटी तो टू वाई इक्वल टू वन एटी माइनस हंड्रेड तो वाई इक्वल टू कितना बचा आपका एटी एटी अपॉन टू मतलब फोर्टी डिग्री है तो ये हो गया आपका फोर्टी डिग्री और ये भी हो गया फोर्टी डिग्री अब हम एंगल ये ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करते हैं तो पी क्यू आर को अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि भाई इसकी भी दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई इधर और एक्स प्लस वाई इधर दोनों इक्वल आने चाहिए एक एक्स प्लस वाई प्लस दूसरा एक्स प्लस वाई तो कितने हो गए भाई और प्लस फोर्टी ये कितना आना चाहिए वन एट्टी लेकिन वाई की वैल्यू तो हमें पता है एक्स प्लस फोर्टी प्लस एक्स प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी इक्वल टू वन एटी तो कितने हो गए भाई X तो दो हो गए टू एक्स इक्वल टू फोर्टी फोर्टी तीन आ गए प्लस वन ट्वेंटी इक्वल टू वन एटी तो x की वैल्यू कितनी आएगी टू एक्स इक्वल टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी तो x इज इक्वल टू सिक्सटी अपॉन टू इक्वल टू थर्टी डिग्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है थर्टी डिग्री मतलब ये है थर्टी डिग्री और ये भी है थर्टी डिग्री